Hey everyone, welcome to my channel Sunshine and I'm Sanya. कैसे हो आप सब? I really hope कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ that how can we detect our skin type, जो एक बहुत important thing है and जिसके बारे में अभी भी 88% लोगों को नहीं पता है. एंड ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च एंड स्टडी में इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया है दैट 88% लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है कि उनकी स्किन टाइप कैसी होती है. एंड जिसकी वजह से वो हमेशा गलत स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं एंड वो प्रोडक्ट उनके स्किन पे अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते एंड कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट उनके स्किन को हार्म भी करते हैं. तो आप चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करो या फिर आप नेचुरल रेमेडी करते हो, आपको अपना स्किन टाइप जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को पिक करोगे या फिर आप कोई नेचुरल रेमेडी करोगे. सो आप कैसे पहचानोगे अपने स्किन टाइप को, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टू इजी वे जिसकी वजह से आप अपने स्किन टाइप को बहुत इजीली समझ सकते हो एंड कौन सी चीज़ कैसी होती है, क्या होता है हमारी स्किन के लिए, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में शेयर करूंगी. तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड मैं पूरी होप करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी तो लास्ट में जाकर आप प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा. मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तरीके की स्किन टाइप होती है. सो कौन सी होती है, क्या नाम होता है, किस तरीके का होता है, सारी चीजों को मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वन बाय वन. सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हमें अपने स्किन टाइप को जानने से पहले अपने टी जोन एरिया को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो टी जोन एरिया हम किसे कहते हैं, जो हमारा फॉरहेड है, जो हमारा नोज है एंड जो उसके क्लोज वाले एरियाज है, उसे ही हम टी जोन एरिया कहते हैं. तो आपको क्या करना है, जिस भी फेस वॉश को आप यूज़ करते हो उसकी हेल्प से पहले आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर लोगे. बस मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी, फेस वॉश भी आप हमेशा ट्राई करो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करने का एंड जिस भी चीज़ की आपके स्किन को नीड हो आप उसी हिसाब के फेस वॉश को ही यूज़ करो. एंड दूसरी बात, आप हमेशा माइल्ड फेस वॉश को ही यूज़ करो. भले आपको ऐसा लगे कि वो आपके फेस पे कोई झाग नहीं दे रहा जिसकी वजह से आपका स्किन क्लीन नहीं हो पा रहा, बट ये चीज़ नहीं होता. माइल्ड फेस वॉश ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए. जो फेस वॉश आपका जितना ज़्यादा झाग देता है वो फेस वॉश उतना ज़्यादा आपका केमिकल बेस्ड होता है. तो उसके बाद आप क्लीन कर लेना अपने पूरे फेस को. एंड बस मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आप जब भी अपने फेस को क्लीन करते हो तो उसके बाद आप प्लीज़ बार बार उसे अपने हैंड से टच मत किया करो, स्पेशली जब आपको अपना स्किन टाइप जानना हो. तो फेस तो मैंने क्लीन कर लिया तो मैं अब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ. मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई कर सकते? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सिरम अप्लाई कर लेती हूँ अपने चेहरे पे. सिरम भी नहीं अप्लाई कर सकते? तो अरे भाई क्या करना है हमें? अच्छा जब हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे तो कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, तो उसके बाद ये क्या करना है? 5, 10, 20, 30, 50, 60? अच्छा 60 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बट 60 मिनट्स के बाद तो मेरी स्किन कुछ ऐसी हो गई, एकदम रूखी बेजान, बहुत ज़्यादा खुरदुरी, जैसे परत निकल रहे, एंड ऐसी मेरी स्किन पूरे साल ही रहती है. सो अगर आपकी भी ऐसी स्किन टाइप है, आपके साथ भी ऐसा होता है, बेजान रहती है आपकी स्किन पूरे साल, तो आपकी है ड्राई स्किन टाइप. नहीं मुझे नहीं दिखाना अपना फेस. 1 आवर के बाद मेरे पूरे चेहरे पे सिर्फ ऑयल है, लगता सारे पराठों का ऑयल मेरे ही चेहरे पे, एंड जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा काला दिखता, हमेशा मुझे पिंपल्स भी होते रहते, ये कैसी स्किन टाइप है मेरी? सो अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है हमेशा, तो आपकी है एक ऑयली स्किन टाइप. ये कैसा स्किन टाइप है मेरा? टी जोन पे इतने ज़्यादा ऑयल है लेकिन मेरी पूरी फेस ठीक है, ड्राई सी है, ये तो लगता कोई मिक्सचर है अचार की तरह. सो अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्किन टाइप है, सिर्फ आपके टी जोन पे ही ऑयल आता है, तो आपकी है एक कॉम्बिनेशन स्किन. अरे वाह, 1 आवर के बाद तो मेरे चेहरे की हालत पहले जैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट क्लीन है, मेरे स्किन पे कोई भी पिंपल्स, डार्क स्पॉट कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे ऑयल की प्रॉब्लम होती है.
दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्किन टाइप है, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपकी है नॉर्मल स्किन टाइप, एंड नॉर्मल स्किन टाइप वाले लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, उनकी स्किन पे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उन्हें ऑयल सिक्रीशन की प्रॉब्लम होती और कभी उन्हें पिंपल्स भी नहीं होता। जो भी चीज़ वो अप्लाई करते हैं वो उनकी स्किन पे बहुत अच्छे से जाता और यंग भी दिखाता है। ये कैसी स्किन की हालत है मेरी, मेरे पूरे चेहरे पे रेडनेस है, छोटे छोटे बम्स है, एंड कुछ भी मैं लगाती हूँ मेरे पूरे चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, मैं क्या करूँ आखिर। सो अगर आपकी भी सेम स्किन टाइप है, आप भी कुछ लगाते हो तो पिंपल्स हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, तो आपकी ये सेंसिटिव स्किन टाइप। सो द सेकेंड ट्रिक टू डिटरमाइन आवर स्किन टाइप, आप पहले रात भर आराम से सो जाओ। अब जब सुबह उठना है आपको पहले अपने फेस को वॉश नहीं करना है, उससे पहले बस एक काम आपको करना है, वो क्या करना है आप देख लो। सो थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, आप क्या करना है, अपने फिंगर्स को लेकर के आना नोज़ के पास, थोड़ा टाइट सा आपको करके नीचे की तरफ खींचना है। तो आप देखो कि मेरे फिंगर्स पे कोई भी ऑयल अभी नहीं आया है, तो आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले ट्रिक से ही कि अगर आपके टीजोन एरिया से कोई भी ऑयल का सिक्रीशन नहीं होता है एंड आपकी स्किन भी हेल्दी होती है, तो आपकी होती है एक नॉर्मल स्किन टाइप। सो फिर से मैं लेकर के आई हूँ अपने फिंगर्स को नोज से मिलवाने, बड़े गुस्से में आया है भाई, बहुत ज़बरदस्ती करके मैंने लाया है, फिर भी मेरे फिंगर पे कोई ऑयल नहीं आ रहा है, बस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदुरी, रूखी, बेजान सी हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि कैसी है मेरी स्किन टाइप। तो अब हम मिल लेते हैं अपने इस महान दोस्त से, तो ये तो थोड़े अलग से ही हैं भाई, ये क्या करते हैं कि हमारे टीजोन एरिया पे तो भर भर के ऑयल लेकर के आते हैं लेकिन हमारे फेस पे कोई भी ऑयल नहीं आता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन है हमारी, आप बहुत ईजली समझ सकते हो एंड बहुत ईजली आप पहचान भी पाओगे इस तरीके से। अब क्या हुआ, रात में लगता मैं सोई थी ना, तो किसी ने आकर मेरे पूरे फेस पे ऑयल का मसाज कर दिया, तभी तो मैं उठी। इतना ज़्यादा ऑयल, हमेशा काली त्वचा, सिर्फ पिंपल्स ही मेरे दोस्त है, हर दो तीन दिन पे आते रहते हैं। सो ऑयल तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो उतना कुछ नहीं है, बस मेरे फेस पे छोटे छोटे बम्स होते रहते, पिंपल्स भी थोड़े बहुत होते हैं। मैं कुछ भी लगाती हूँ मेरा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, एलर्जी हो जाती है मेरे स्किन पे, अजीब सी मेरी स्किन है, बहुत मुश्किल है भाई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दोनों में से जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे, आप उसकी हेल्प से अपने स्किन टाइप को पहचान सकते हो। सो प्लीज़ आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करना, या फिर आप किसी नेचुरल रेमेडी को भी करते हो तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही उसमें कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करना। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, किसी भी एक पॉइंट पे हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। एंड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेरी या कोई सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप बिना किसी टेंशन के मुझसे पूछ सकते हो या फिर मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टा पे। मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।